You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आइडियल डायोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन उन क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि जो पैरेलल वाले डायोड थे, पैरेलल डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उनमें तो हमने क्या किया था कि ऐसी ट्रिक अपनाई थी कि एक को किसी को भी मानेंगे फॉरवर्ड बायस, बाकी सभी को मानेंगे रिवर्स बायस, फिर दूसरे को मानेंगे फॉरवर्ड बायस, बाकी सबको रिवर्स बायस, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने चेक किया था कि एक्चुअल में कौन सा फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में है, और उसके लिए फिर एक ट्रिक भी हमने बता दी थी कि ये प्रोसेस भी नहीं तो ट्रिक से कर लीजिए। उसके बाद हमने जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन कराए थे, उनमें हमने क्या बोला था कि हर एक डायोड को फॉरवर्ड बायस मान लीजिए और सॉल्व कीजिए, अगर एक भी अपोजिट आता है तो दोबारा सॉल्व कीजिए। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन हम जो बताने जा रहे हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो बहुत आसान रहता है ओपन सर्किट मेथड से सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया और आपको अगर केवल इतना पता करना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, आइडियल डायोड है ये, आइडियल डायोड है 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2K, 4K, 2K, 2K। आपसे बोला है कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, और यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड बायस एज्यूम करके चलोगे और इसे कर दोगे शॉर्ट सर्किट, तो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए, दो मेथड आपके पास पैरेलल में होती हैं। एक रहती है कि फॉरवर्ड बायस मान के चलिए तो उसमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, फिर करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर वो करंट आती है पी टू एन, पी से एन की तरफ फ्लो करती हुई करंट दिखाई देती है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अजम्पशन है वो सही है, सारी कैलकुलेशन सही है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन एन टू पी आती है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाती है, हमें दोबारा कैलकुलेशन करना होता है फिर रिवर्स वाइज मान के। मतलब हम मान लेते हैं कि हमने जो माना था फॉरवर्ड वाइज वो फॉरवर्ड वाइज नहीं है, फिर वो बंद करना पड़ता है। और ओपन सर्किट मेथड में क्या करना होता है कि पहले हम ओपन मान लीजिए, ओपन अज्यूम कर लेते हैं, और फिर एन और पी टर्मिनल का वोल्टेज देखते हैं। अगर एन टर्मिनल का वोल्टेज पी टर्मिनल के वोल्टेज से ज्यादा है तो हमारा अजम्पशन सही है, सारी कैलकुलेशन सही है। तो उसमें क्या है, ओपन सर्किट में बहुत कम कैलकुलेशन लगेंगे, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा तो सर्किट कॉम्प्लेक्स ना होगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा। और फिर अगर गलत भी होता है तो ये मेहनत बहुत ज्यादा नहीं कि हमने, फिर हमें फॉरवर्ड बायस में तो करना ही होगा। तो जैसे यही क्वेश्चन अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि अज्यूम करो कि हमारा सर्किट जो है वो रिवर्स बायस में है, तो हम इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब जब कट किया हमने तो बस एक लूप ये दिख रहा है हमें और एक लूप हमें ये दिख रहा है। अब देखिए, ये यहां से कट हो गया, ये यहां से कट हो गया, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगा के हम इसके अक्रॉस वोल्टेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ का वोल्टेज अगर हम एक्स मान लें, सिमिलरली यहाँ का वोल्टेज अगर हम, ये 2K है, यहां का वोल्टेज अगर y मान लें, तो देखिए x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके, अच्छा इसमें x वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इतना भी नहीं करना है आपको, अगर तो सीधा सीधा x वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे x वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर से, तो सॉरी वोल्टेज डिवाइडर से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन पहले जो हम एक ब्रह्मास्त्र नेटवर्क में लेके चलते हैं उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे डिवाइडर से बता देंगे। मान लीजिए इसमें करंट x है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 4x, यही करंट यहां से आ रही होगी x, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 2x, जहां से करंट इन होती है वहां प्लस, जहां पे आउट हुई वहां माइनस। यहां अगर ग्राउंड है तो नीचे से ऊपर गए तो ये 4x हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 2x और ऐड हुआ तो 6x हुआ, और ये देखिए ग्राउंड है, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो यही 6 हुआ, तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और x की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो कि क्या है n टर्मिनल का वोल्टेज, ये आ जाएगा 4 × 1, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करंट y माने तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 2y, तो यहाँ अगर ग्राउंड है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ये हो गया 2y, इसमें भी करंट y ही होगी क्योंकि यही करंट आ रही होगी, तो प्लस से माइनस गए तो ये भी हो गया 2y, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 2y हो गया 4y, यहाँ ग्राउंड है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो यही हो गया 4, तो 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो vp इज इक्वल टू, यही है vp, तो vp इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो देखिए
एन टर्मिनल का वोल्टेज है 4 वोल्ट, पी टर्मिनल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही है, हमने जो एज्यूम किया था वो सही है, क्योंकि एन का वोल्टेज पी के वोल्टेज से ज्यादा आ गया, मतलब डायोड किस में है, रिवर्स बायस में। अब इस केस में आपसे अगर पूछा जाए कि हर ब्रांच में करंट निकालो, तो जितनी कैलकुलेशन हमने कर ली वो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी सही है। तो अगर किसी भी ब्रांच में करंट पूछता, इस ब्रांच में करंट पूछता, तो आप बोलते 1 मिली एम्पियर, क्योंकि चूंकि रेजिस्टेंस किलो में है तो करंट मिली एम्पियर में आएगी, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट में है। इस ब्रांच में भी 1 मिली एम्पियर, इस ब्रांच में भी 1 मिली एम्पियर, जिस भी पॉइंट पे वोल्टेज पूछे वो भी निकाल सकते हो। वी एन की वैल्यू 4 वोल्ट, वी पी की वैल्यू 2 वोल्ट। इसी को हमने जो अभी बोला था वोल्टेज डिवाइडर मेथड, उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छी रहती है एक्स वाली मेथड। इसे हम एक ट्रिक मान के चलते हैं, एक ब्रह्मास्त्र टाइप का हमने आपको बताया था कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। चलिए उस मेथड से और सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। वो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये वोल्टेज वाई है और ये वोल्टेज एक्स है। यहाँ पे देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो वोल्टेज डिवाइडर से ये वाई वोल्टेज अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। आप देखिए ये वाई करंट नहीं है, ये वाई वोल्टेज है इसके अक्रॉस। तो वोल्टेज डिवाइडर से सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो तो क्या होता है, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। देखिए यही वोल्टेज जो है वो क्या है, वीपी। तो वीपी इज इक्वल टू वाई, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। पहले भी कितना आ रहा था, 2 वोल्ट ही आ रहा था। सिमिलरली अगर ये वोल्टेज एक्स माने, पहले हम एक्स करंट को मान रहे थे, अभी एक्स क्या मान रहे हैं, वोल्टेज। तो ये एक्स उस एक्स के इक्वल नहीं आएगा, ये वाई उस वाई के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वो वाई था करंट। अभी भी करंट अगर देखें तो देखिए ये 2 वोल्ट है, तो 2/2 इसमें कितनी आएगी, 1 मिली एम्पियर ही आएगी। इस एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, 4 + 2। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। तो ये x की वैल्यू जो कि vn है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। यहाँ पे भी करंट निकालेंगे तो 4/4 1 मिली एम्पियर। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। यहाँ भी देखो vn इज ग्रेटर देन vp, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ डायोड जो है वो रिवर्स वाइज में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम पे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो जाता है, ये 4 वोल्ट है, ये 3K है, ये 1K है, ये डायोड है हमारा, ये हो गया 1K, 5K, 6 वोल्ट। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, अब सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि माना कि डायोड रिवर्स बायस में है। डायोड रिवर्स वाइज में है तो अब 2 मेथड है आपके पास, कोई भी मेथड लगा दो, डायरेक्ट सीधा वोल्टेज डिवाइडर लगा दो, इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना होगा तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये अगर वाई है तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट, और यही क्या होगा, वीपी। तो वीपी इज इक्वल टू 3 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू वाई। अगर ये वोल्टेज x है तो वोल्टेज डिवाइडर से देखिए, x इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन। तो दैट इज 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 वोल्ट। तो vn इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखिए यहाँ पे vp इज ग्रेटर देन vn, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत क्यों हो गई, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था कि रिवर्स बायस, हमने रिवर्स बायस एज्यूम किया था तो इसे ओपन किया था ना, तो वोल्टेज यहाँ का ज्यादा आ रहा है यहाँ का कम, इसका मतलब ये फॉरवर्ड वाइज में हो, फॉरवर्ड वाइज में है तो क्या ओपन कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट। तो अब हमारी सारी कैलकुलेशन ही गलत हो गई। जब सारी कैलकुलेशन गलत हो गई तो हम ये तो पता, अगर केवल क्वेश्चन ये है कि वेदर द डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, तो इतने ही में काम चल जाएगा ओपन सर्किट मेथड से। लेकिन अगर पूछा है कि इसकी करेंट भी बताओ तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्स वाइज में होता तो इसकी करेंट 0 हो जाती, लेकिन अब चूंकि निकला है कि ये फॉरवर्ड बायस में है तो अब हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, अब डायोड को शॉर्ट करना पड़ेगा। डायोड को किया हमने शॉर्ट, हम यहां बना देते हैं, डायोड की डायरेक्शन हमारी ये थी, अब हमें फिर से इसे सॉल्व करना है। अब देखिए आइडियल डायोड जब शॉर्ट हो जाता है तो वीपी और वीएन इक्वल हो जाते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में कभी भी वोल्टेज कंपेयर नहीं किए जाते हैं, फॉरवर्ड बायस में करंट की डायरेक्शन देखी जाती है, और रिवर्स बायस में
ओपन सर्किटेड रहता है डायोड, तो रिवर्स बायस में कभी करंट की डायरेक्शन नहीं देखी जाती क्योंकि जीरो करंट हो जाती है। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज जीरो रह जाता है डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, और रिवर्स बायस में करंट जीरो हो जाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसकी करंट जो है वो, इसकी करंट हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी भी एक रजिस्टर में एक एक्स करंट आप मान लीजिए और वो एक ब्रह्मास्त्र मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अगर एक्स हो गई, इसी को एक्स मान लेते हैं, इसे ग्राउंड मान लेते हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, एक्स इंटू वन, मतलब एक्स ही होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो जीरो में एक्स एड होगा, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, एक्स। ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, एक्स। यहाँ ग्राउंड है, ये एक्स है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, एक्स। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, एक्स बाई थ्री, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ये कितना वोल्टेज है, फोर, ये कितना वोल्टेज है, एक्स। तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी, फोर माइनस एक्स अपॉन वन, दिस वोल्टेज माइनस, ये ग्राउंड है अगर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो यहाँ फोर हो जाएगा, तो फोर माइनस एक्स अपॉन वन ये करंट जाएगी इधर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, तो इधर से ये ग्राउंड है अगर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो यहाँ सिक्स वोल्ट है, ये एक्स वोल्ट है, तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी, सिक्स माइनस एक्स अपॉन फाइव। इतनी करंट यहाँ से जा रही, इतनी करंट यहाँ से जा रही। अब देखिए जरा यहाँ से कितनी करंट आई, फोर माइनस एक्स, जिसमें से नीचे कितनी चली गई, एक्स बाई थ्री, तो बची कितनी रही, फोर माइनस एक्स इधर से आई और उसमें से नीचे चली गई एक्स बाई थ्री, तो ये करंट यहाँ को बची रही। इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x माइनस x अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4x अपॉन 3। 12 माइनस 4x अपॉन 3 करंट इधर की तरफ जा रही। कोई मैथमेटिकल अगर एरर आ जाए कहीं भी, हम 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 या प्लस की जगह माइनस कर लें, तो वो सुधार लीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों करंट की सहायता से ये करंट मिल गई और यही जो करंट है वही हमारी डायोड करंट है। अब अगर x की वैल्यू हमें मिल जाए तो डायोड करंट हमें मिल गई। फॉरवर्ड बायस डायोड है ये तो पहले ही पता चल गया था, अगर केवल क्वेश्चन होता कि डायोड फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस तो पहले ही आंसर आ गया था। अब देखिए यहाँ पे केसीएल लगा दीजिए, यहाँ ये आउटगोइंग है और ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट का समेशन मतलब 12 माइनस 4x अपॉन 3 प्लस यहाँ से कितनी करंट आ रही है, 6 माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितनी है, x है। और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस, देखिए 3 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई तो ये 60 माइनस 20x प्लस 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 3x इज इक्वल टू x। तो यहां से देखिए 60 प्लस 16 हो जाएगा 76, 20 माइनस माइनस 20 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 23x, ये इधर आएगा तो इज इक्वल टू 15x, तो 76 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15x प्लस 23x, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 38x 76। तो x इज इक्वल टू 76 अपॉन 38 और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो अब हम x की वैल्यू अगर हम हर ब्रांच में रख दें तो जिस ब्रांच की करंट हमें चाहिए उस ब्रांच की करंट मिल जाएगी और जहां का भी वोल्टेज चाहिए जिसके अक्रॉस वो वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि डायोड की करंट पूछी थी तो डायोड की करंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए डायोड की करंट इज इक्वल टू है 12 माइनस 4x अपॉन 3, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो 12 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 8 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3 मिली एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो में है, तो 4 बाई 3 पॉजिटिव ही आना था क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में था, तो P2N ही करंट जाएगी, मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन में डायोड किस में निकला, फॉरवर्ड बायस में, और करंट कितनी आई डायोड की 4 बाई 3 मिली एम्पियर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का जिसमें सिंगल डायोड का क्वेश्चन हो तो आप कोशिश कीजिए कि ओपन सर्किट मान के चलिए, लेकिन मल्टीपल डायोड के क्वेश्चन में ओपन सर्किट मानोगे तो आप बहुत जगह गलती करोगे। तो सिंगल डायोड का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको आप ओपन सर्किट मेथड से सॉल्व कीजिए, और मल्टीपल डायोड का क्वेश्चन होगा तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था उस तरीके से सॉल्व करना। तो आइडियल डायोड, ये सारे हम अभी आइडियल डायोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइडियल डायोड का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डायोड की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेके आएंगे जो कि एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन आपसे सारे बनने लगेंगे। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो नॉलेजेबल है तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके।
कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।